सरजान बरगद की बेटी आई थी, एक हमारी बहन है, वो हमारी बेटी है, हमारे कौम की बेटी है। अगर इंजीनियर रशीद ये दावा कर रहा है कि हमारे नौजवान जेलों में है, मैं उनकी बात करने के लिए आया हूँ, तो सरजान बरगद की बेटी हुआ क्या दूसरी स्टेट की थी? यानी क्या हमारी बेटी नहीं है? हमारी बेटी नहीं है। अगर सरजान बरगद जेल में है, अगर उसकी बीवी जेल में है, तो क्या इंजीनियर रशीद उनसे लाने को फारे गए? तकरीबन 50 जवान नौजवान जो बीएसए में बंद है, उनको क्यों नहीं छोड़ा जाता है? उनके ऊपर ये कह रहे हैं कि मैं आज सिर्फ कंपेनिंग करूँ, आज कंपेनिंग करूँ, कॉलेज जाऊंगा, फिर कॉलेज जाऊंगा। सर आज क्या कर रहे हैं वो ग्राउंड में आपके? ये हमारे जवानों को गुमराह कर रहे हैं। 2014 में भी उन्होंने वादा किया था कि हम हकम देंगे, सर कहां गया? 2014 में भी वो आए थे, और आज के दौर में जब सज्जाद साहब को इनको लगता था कि सज्जाद साहब आगे जा रहा है, अब ये और वादे कर रहे हैं। लेकिन इंजीनियर रशीद की अगर बात करें, चूंकि होम अगर देखे ये डिस्ट्रिक्ट उसका होम है, आपको क्या लगा? आप यहाँ के यूथ है, आप मेरे से ज्यादा समझ रखते हैं इंजीनियर रशीद को लेकर, तो आपकी नजर में इंजीनियर रशीद जो कह रहे हैं कि जनाब ये सारे चोर हैं, ये कातिल हैं, आप केवल जो है इंजीनियर रशीद जो है यहाँ के लोगों की बात कर सकता है या यहाँ के लोगों के मसले हल कर सकता है, तो क्या आप नौजवान होकर आपको लगता है कि वो जो आइडियोलॉजी जिसके बारे में बात कर रहा है वो सही है? सर आपको नहीं लगता है? भीरवा में जाकर पूछो सर जी, भीरवा के लोग, भीरवा में जो सरजान बरगद की बेटी आई थी, एक हमारी बहन है, वो हमारी बेटी है, हमारे कौम की बेटी है। अगर इंजीनियर रशीद ये दावा कर रहा है कि हमारे नौजवान जेलों में है, मैं उनकी बात करने के लिए आया हूँ, तो सरजान बरगद की बेटी हुआ क्या दूसरी स्टेट की थी? यानी क्या हमारी बेटी नहीं है? हमारी बेटी नहीं है। अगर सरजान बरगद जेल में है, अगर उसकी बीवी जेल में है, तो क्या इंजीनियर रशीद उनसे लड़ना था? क्या इंजीनियर रशीद उनसे लड़ना था? हमारे कुफारे के तकरीबन 50 जवान नौजवान जो बीएसए में बंद है, उनको क्यों नहीं छोड़ा जाता है? उनके ऊपर भी ये बरगदी अंदर है। अगर सरजान बरगदी की बीवी अंदर है, वो मासूम बच्चे आए, उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ पे हमें मदद कर दो, वहाँ क्यों वो मुकर गया? क्या लगता है आपको? क्यों वो ड्रामाबाजी नहीं है? और क्या है आपको नहीं लगता है? अबरार रशीद एक इंटरव्यू में कहता है वोट का, त्यौहार का बदला वोट से। ठीक है सर, हम भी मानते हैं त्यौहार का बदला वोट से। क्या त्यौहार का बदला सिर्फ इंजीनियर रशीद था? क्या त्यौहार का बदला सिर्फ इंजीनियर रशीद था? सरजान बरगद नहीं था, सरजान बरगद की बीवी नहीं था, एक मेरा रिश्तेदार, एक हमारा मतलब लोकल है कुपवाड़ा का, ये कालपुरा का, क्या वो सरजान बरगद, क्या वो इंजीनियर रशीद नहीं था? ये जो सब कुछ जो दिया जा रहा है इंजीनियर रशीद को, ये एक ड्रामा है, एक एक सौदाबाजी है। इमरान साहब, अबरार रशीद ने एक इंटरव्यू में कहा, शायद आपको याद होगा, अबरार रशीद ये कह रहे हैं कि मैं आज सिर्फ कंपेनिंग करूँ, आज कंपेनिंग करूँ, कॉलेज जाऊंगा, फिर कॉलेज जाऊंगा। सर आज क्या कर रहे हैं वो ग्राउंड में आके? ये हमारे जवानों को गुमराह कर रहे हैं, ये हमारे जवानों को फिर से पत्थर उठाने पे मजबूर करते हैं, ये हमारे जवानों को फिर से कोई गलत काम करने पे मजबूर करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम मसले कश्मीर में बात करेंगे, कब करेंगे सर, कब करेंगे? जब जेल से, जब वो एमएलए था, 10 साल वो एमएलए था, 10 सालों में रायशुमारी का नारा दिया, लोगों को गुमराह किया, आज कह रहे, आज जब जेल से बाहर आए, त्यौहार जाना एक बहाना है, त्यौहार जाना एक बहाना है, वो सिर्फ कुर्सी का बहाना है, त्यौहार जाना बहाना है, ये सिर्फ कुर्सी का फसाना है। इंजीनियर साहब आज इन जवानों को बता दो कि कितने जवानों को और गुमराह करोगे, कितने जवानों के हाथों में और पत्थर थमाओगे, कितने जवानों को और कब्रिस्तान भेजोगे, कितनी माओं को विधवा करोगे, कितनी बहनों को उनके भाइयों को छीनोगे, कितने बहनों के उनके औलाद छीनोगे? कम से कम खुदारा हमें छीने दो। हम ये कह रहे हैं, लिव एंड लेट अस लिव। इंजीनियर साहब ने ड्रामाबाजी अब नहीं चलेगी, जवान जाग चुका है, यहाँ का जवान डिग्निटी और डेवलपमेंट के साथ है, यहाँ का जवान बेरोजगारी के साथ है। अगर आपको कैमरा में ये हॉस्पिटल दिखाइए, अगर इंजीनियर साहब को लगता है ये भी ड्रामा है, तो हम क्या करेंगे? ये उसकी बदकिस्मती है। अगर हमारा जवान, मैंने एक बात और सर, इंजीनियर रशीद ये कह रहा है कि खानदानी सियासत बंद करेंगे।
अगर रेंजिंदर रशीद पार्लियामेंट में चले गए तो उसका भाई क्या करने के लिए आया, तो वहाँ क्या माहौल? वो तो कह रहे खानदानी खिदमत, वही तो मैं कहने जा रहा हूँ सर। अगर क्या माहौल में और कोई खिदमत क्या लंगे लोगों की खिदमत के लिए लोगों की खिदमत करने के लिए और कोई नहीं था क्या? एल डी में लंगे कॉन्स्टिट्यूशन में एल डी के कोई काबिल ये नहीं था कि वो लोगों की खिदमत करे? क्या सिर्फ इंजीनियर रशीद ही उसके लिए है? क्या उसका भाई उसके लिए है? क्या अबरार रशीद ही उसके लिए है? सर मैं अपने जवानों को, अपने इस मुस्तकबल को, अपने इस कौम को ये एक ही पैगाम देना चाहता हूँ, ड्रामाबाजी के मत साथ मत जाओ, इमोशन के साथ मत जाओ। ये इमोशनल गेम खेलना चाहते हैं, इसको बोलते हैं उर्दू में इमोशनल अत्याचार। अत्याचार का ये मतलब है कि जवान को वरगलाया जा रहा है, इसके दिमाग में कुछ और बढ़ता जा रहा है, त्यौहार का बदला वोट से। मेरे भाई इतने सारे बंद है, क्या वो त्यौहार में बंद नहीं है? यासीन मलिक की बात क्यों नहीं की जाती है? शबीर शाह की बात क्यों नहीं जा रही है? सरजान बरगदी के साथ क्यों बात क्यों नहीं की जा रही है? मसद आलम की सब की बात क्यों? सिर्फ जवानों को क्यों ये वरगला है? शुक्रिया जी, जी बताइए क्या शुक्रिया हमारे साथ में और एक जनाब आज मैं तो चलो ये गो इजी रशीद नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के ओर से तम पर तिमन पर क्या शुरू करो नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट पे गदरी लूकन थोखस मे लूकन तुम हाँ तुम लूकन हाँ दस लूकन वन दस कैसे कन जो हंदवोर ये दू तु रामहाल कन जो तरफ कन्सेशन गीज ना लूकन तरफ तुम कह फायदे वोत तुम सिर्फ अकू चीज नेशनल वोल तर सा कर पीपल्स वोल पार्टी हूँ तुम सब जबरदस्त सजाद गनी लोन हे पगह तुज कत कर एक सेकंड जी 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 चीज बताइए जी, आप नौजवान है, आप पुस्तक मिले बताइए, आप देख सकते हो ये हमारे पास ये हमारे सामने बिल्डिंग है, मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है, सजाद साहब की देन है, सबसे बड़ी देन है जी, मेडिकल कॉलेज है, आम आदमी ये एमएलए आम एमएलए नहीं कर सकते, पंगस कौन है जो यहाँ से चलता है? आप देख सकते हो ये पूरा जो है सजाद साहब की हमारे देन है। आप बाकी ने कुछ नहीं किया? नहीं बाकी ने किया ही नहीं, किया ही नहीं किया, लेकिन इतना नहीं कर सके जो 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 सजाद साहब ने किया हमारे के लिए, इतना नहीं कर सके। सरकारी खजाना उन्होंने लूट लिया, सरकारी खजाना उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में लूट लिया, देखो दिया फंड अपना देखिए एक चीज, मैं आप सब लोगों से बात करने के लिए श्रीनगर से आया हूँ ताकि मैं यहाँ के यूथ की बात सुनूं ताकि और उसको ऑन एयर कर लूं, लेकिन पहले मुझे नौजवान की, मैं आपके पास भी आऊंगा पहले बात जी। आप बात कर रहे थे यहाँ जो पुराने हमारे एमएलए थे उन्होंने काम किया, लेकिन उन्होंने वो काम किया जो यहाँ सरपंच भी कर सकता है, जैसे बंड वगैरह, लेकिन जो सजाद साहब ने काम किया है वो एमएलए नहीं कर सके यहाँ। और आप देख सकते हो ये जो हॉस्पिटल बना है, सजाद साहब की देन है, मेडिकल कॉलेज मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, बायोटेक पार्क, बंदस रोड, ये सजाद साहब की देन है हमें। ये ढाई साल में उन्होंने सिर्फ 2.5 साल में किया, डिग्री कॉलेज बेलगाम जी दिया, डिग्री कॉलेज आज गई 30 वरी नेशनल कॉन्फ्रेंस ये हुकूमत करा श्रीनगर पे तुम, क्योंकि बुत कांग्रेस गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर हम तम सा यहां तथा टाइम हम हेकान एक मेडिकल कॉलेज बदल सब मेडिकल कॉलेज अन, मगर ओन ना गरीब लोगों के साथ सख्ती किराय से 10 रुपये हनवर वात सब चौक शहर पत् सजाद सबन एडवांस मैनिफेस्टो ऐलान मैं मेडिकल कॉलेज हंदवारा लाऊंगा, लेकिन लाया हम इसके पास पीछे मरेंगे, इसके पीछे मरेंगे और इसके पीछे जिएंगे भी। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और एक नौजवान है, आप बात करना चाहेंगे, बात करना है नौजवान, आइए जनाब, बोलो जनाब, क्या तुम बासान मतलब तुम मुस्तकबिल नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस या इंजीनियर रशीद इंजीनियर रशीद पे करो शुरुआत, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी तिमन पे क्या शुरू है भरोस तुम सजाद कही रोनस वो सब चोर है, चोर है क्या? कौन चोर है? क्या किया पिछले 1970 में बैठे तुम हुकूमत कर रही, क्या किया उन्होंने? मैं भी 21 साल का हूँ, कुछ नहीं किया, चलो रोड पे चलिए, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया, वो सब चोर है, चलिए रोड पे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, यहाँ पर कई सारे नौजवान हैं जिनके साथ हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और
बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं जनाब। में उसी होटल में जिले होटल में जो हमारे ये पीसी की पार्टी है, हमारा डेन है, हमारा पड़ोसी है, हमारा हक बनता है इसको वोट डालना है, क्योंकि इसने जो इसने 150 साल में किया वो एनसी ने भी 70 साल में नहीं किया है। शुक्रिया हमारे बात करने के लिए। तो ये आगे आपको तस्वीरें दिखाएगा कैमरा मैन, लोगों से बात की और ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर कारवां जो है नजर आ रहा होगा जो एनजी इस वक्त जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस सजाद गनी लोन जो उन्होंने बाइक रैली शुरू की थी और किस तरीके से तादाद में जो है